यह है संगर पॉडकास्ट। मैं हूं होस्ट जाडू बलूच। हमारी आज की पॉडकास्ट पाकिस्तानी फोर्सेस के जेर हिरासत आजादी पसंद बलूच रहनुमा गुलजार इमाम की ड्रामाई गिरफ्तारी और एक साल के जिस्मानी और जहनी तशद्दुद और सॉफ्टवेयर अपडेटिंग के बाद मीडिया के सामने उसके नए मौकफ के बारे में है। बलूच आजादी पसंद मुसल्ला तंजीम बलूच नेशनलिस्ट आर्मी यानी BNA के सरबरा और कमांडर गुलजार इमाम जिन्हें एक साल कबल गिरफ्तार किया गया था को मंगल के रोज बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में मीडिया के सामने पेश कर दिया गया है। गुलजार इमाम को बलूचिस्तान के कठपुतली वजीर दाखिला जिया लांगो और सेनेटर प्रिंस आगा उमर अहमद जई की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेश किया गया है। इस मौके पर गुलजार इमाम ने कहा कि मुसल्ला जद्दोजहद का रास्ता गलत था, उम्मीद है रियासत माँ का किरदार अदा करते हुए इसलाह का मौका देगी। उन्होंने कहा कि मुसल्ला जद्दोजहद में शामिल बलूच बाशिंदे लड़ाई के बजाय वापसी का रास्ता इख्तियार करें। गुलजार इमाम का कहना था कि मैं 15 बरस तक बलूचिस्तान के लिए हकूक के लिए जारी मुसल्ला जद्दोजहद का हिस्सा रहा हूँ और हर तरह के आलात से गुजरा हूँ। बहसियत बलूच मेरा मकसद अपनी कौम और खित्ते की हिफाजत करना है। मुझे कुछ दिनों कबल गिरफ्तार किया गया, मैं बलूच कौम के अकाबरीन से मिला हूँ, उनसे मुबाहसे के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि बलूचिस्तान के हकूक की जंग सिर्फ आईनी और सियासी तरीके से मुमकिन है। उन्होंने कहा कि मैंने रियासत को समझे बगैर इस जंग का आगाज किया, मैंने जिस रास्ते का इंतखाब किया वो गलत था क्योंकि मुसल्ला जद्दोजहद से बलूचिस्तान के मसाइल मजीद गंभीर होते गए। उनका कहना था कि कुछ ताकतें बलूचों को सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती हैं, जिससे नुकसान सिर्फ बलूच कौम का हो रहा है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान पस्ती का शिकार हो गया है। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसल्ला जद्दोजहद में शामिल बलूचों से अपील की कि वो वापसी का रास्ता इख्तियार करें ताकि मिलकर बलूचिस्तान के मसाइल हल करने की कोशिश करें। यहाँ सरमाया और तरक्की न होने के बराबर है। बलूच तुलबा से भी अपील है कि वो लड़ाई में वक्त जाया करने के बजाय सूबे की तरक्की के लिए काम करें। उन्होंने मजीद कहा कि उम्मीद करता हूँ कि रियासत हमें माँ का किरदार अदा करते हुए इसलाह का एक मौका देगी। जिनके लोग इस जंग में मारे गए और जिनका कोई नुकसान हुआ, मैं इनसे माफी का तलबगार हूँ। इस मौके पर जिया लांगो ने कहा कि आईन के तहत जैसे हकूक नहीं मिलते, हम उसके साथ हैं, बातचीत के जरिए मसाइल हल हो सकते हैं, ताहम रियासत और इदारों से खेलने वालों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। वाज़ह है कि पाकिस्तानी फौज के शोबाए तालुकात आमा ISPR ने दावा किया था कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन में हाई वैल्यू टारगेट गुलजार इमाम और शंबे को गिरफ्तार कर लिया है और गुलजार इमाम के गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी की तरह पेश किया गया, जबकि बाद अज़ां गुलजार इमाम की तंजीम बलूच नेशनलिस्ट आर्मी ने दावा किया के गुलजार इमाम एक साल से पाकिस्तानी फौज के तेवील में थे और उन्हें 3 मई 2022 को तुर्की से गिरफ्तार किया गया था। बलूच नेशनलिस्ट आर्मी ने अपने बयानात में ये कच्चा जाहिर किया कि रियासत पाकिस्तान गुलजार इमाम को तशद्दुद का निशाना बनाकर बलूच कौमी तहरीक के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी और तहरीक के खिलाफ प्रोपेगेंडे का आगाज करेगी। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से BNA की बयान की तस्दीक हो गई है कि रियासत ने अपनी तशद्दुदाना पॉलिसी पर अमल करते हुए एक आती को यह बावर कराया कि वो आती नहीं कोई और जानवर है। वैसे गुलजार इमाम की ड्रामाई गिरफ्तारी ने बहुत से शक व शुबात को जन्म दिया है। आजादी पसंद हलकों में यह तासुर पाया जाता है कि उसकी गिरफ्तारी में अपनों का हाथ है और इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर BNM के साबिक चेयरमैन कलील बलूच और BLA के कमांडर बशीर जैब पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से उसकी शदीद तरदीद की गई है और कहा गया है कि यह तहरीक में दरार डालने की दुश्मन की एक प्रोपेगेंडा है। हमारी आज की पॉडकास्ट यहीं तक इख्तिताम पजीर हो गई है। एक और पॉडकास्ट के साथ जल्द मुलाकात होगी।